बलरामपुर बनकटवा रेंज अंतर्गत सुगा नगर लहेरी निवासी लक्ष्मी 24 वर्ष अपने ससुर के साथ साइकिल से गांव जा रही थी। उसी दौरान परसहवा गांव के पास घात लगाकर बैठे तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए के हमले में महिला, उसके ससुर व 3 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस द्वारा महिला तथा बच्ची व ससुर धनराज तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवपुरा में इलाज कराया गया। सभी की हालत खतरे से बाहर है। तराई क्षेत्र में आतंक का प्रयास बन चुके आदमखोर तेंदुए के हमले की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले दिनों भी 4 बच्चों को निवाला बनाने वाला तेंदुआ अभी भी वन विभाग की पकड़ से दूर है। प्रभागीय वनाधिकारी डॉक्टर सोमारन ने बताया कि गांव में वन टीम लगा दी गई है। धनराज कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये आदमखोर जानवर तेंदुए ने आप पर कैसे हमला किया? आप कहाँ गए थे, कैसे क्या हुआ? पासबुक कहाँ बनवाने गए थे? लालपुर। अच्छा, लालपुर। कौन कौन गए थे वहाँ पर? तीन लोग गए थे। तो कहाँ पर हमला किया जब आप आ रहे थे? कहाँ पर हमला? कहाँ, किस जगह? मुर्दा खानी है, मुर्दा खानी वही लपटी से। तो मतलब वहाँ से आ रहे थे अपने गाँव को? हम गाँव पर आ रहे हैं। अच्छा, कितने बजे, कौन शाम के 6 बजे की घटना है। अच्छा, ये बताओ जब बाघ ने हमला किया तो आप लोग किस साधन से थे, कैसे थे? सामने से हमला किया, पीछे से हमला किया, कुछ जानकारी? सामने से बाघ से निकला, देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।